देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के युवाओं को नशे की गर्द में धकेलने वाले गिरोह का कोखराज पुलिस ने खुलासा किया है। कोखराज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरीपुर गांव के घर में दबिश देकर 2544 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने मौके पर अंग्रेजी शराब में यूरिया खाद मिलाते हुए एक युवक को दर दबोचा, जबकि एक युवक फरार होने में कामयाब रहा। अंग्रेजी शराब में यूरिया मिलाने से उसका नशा और अधिक बढ़ जाता है। पुलिस के अनुसार बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। लिखा पढ़ी के बाद गिरफ्तार युवक को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि कोखराज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बरीपुर गांव में कुछ युवक गैर प्रांत से अंग्रेजी शराब लाकर बेचते हैं। सूचना पर पुलिस ने बरीपुर गांव के घर में छापा मारा तो वहां दो युवक शराब की बोतल में कुछ मिलाते दिखे। पुलिस को देख दोनों युवक भागने लगे। भाग रहे एक युवक इमरान निवासी बरीपुर को पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए युवक इमरान ने बताया, हरियाणा की शराब को अधिक नशीली बनाने के लिए वह यूरिया खाद का घोल शीशे में मिलाते हैं। कोखराज थाना के SHO राकेश चौरसिया की माने तो पकड़े गए युवक व फरार युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी इमरान को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। दिन से चल रहा था, हरियाणा से हम लोग शराब मंगाते थे, इसमें घर में रख के यूरिया खाद मिलाते थे। इस वजह से कि नशा इसमें तेज होता था, दुकान बेचते थे। 53 पेटी शराब है, पर पेटी में 48 बोतल है। जो पौआ है इंपीरियल ब्लू शराब है, ये जो हरियाणा से लाकर ये लोग यहाँ पे अपना घर पे रखकर इसको उसमें यूरिया और वो मिलाकर बेचते थे। इनका एक साथी इसका मौके से भाग गया है। पकड़ा गया व्यक्ति का नाम इमरान, बाप का नाम अबरार, निवासी बरीपुर। यही सब यूरिया इसलिए कि उसमें ज्यादा उसमें उसकी वजह सांद्रता आ जाए, जिसमें इस लोग मिलाते थे, मिलावटी करते थे।